यहाँ से कुछ ऐसा है और फिर यहाँ से कुछ ऐसा है और पूरा जो जाल है वो। आजकल हमको चाहिए ना बरखा, तब नहीं आ रहे हैं कि हमारा सारा आलू उलू हरी लड्डू आए, सब्जी। लड्डू गांव में, लड्डू आए तो गांव में जब भी कोई माँ ऐसे चिल्लाती रहती है, भाई साहब उधर माल के वाले चिल्लाते हैं कभी कभार, क्या हुआ खमोली में बिना चप्पलों के हाफ पैंट में, मतलब वो भी शादी में, तो सोच के क्या। कोई मारता ही नहीं बच्चों को? नहीं मारते हैं, नहीं मारते हैं भाई, मेरे को पता है। दीदी क्या खुश हो रही है अपने पुराने फटे जूतों की बात सुन के? हम पे विश्वास नहीं है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 11 बज रहे हैं और एक बार फिर आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपनी नई मकान वाली जगह से। थोड़ा साइड होके ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूं क्योंकि वहां पर बहुत तेज़ धूप हो रही है। ये आप देख सकते हैं क्या तेज़ धूप लगी हुई है। और यहाँ मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर भाई साहब भी पहुँचे हुए हैं और भाई साहब सुबह सुबह टंकी में किसी ने अगर पत्थर डाल दिया था तो उस पत्थर को बाहर निकाल लें। मैं बच्चा ही हूँ, मैं बच्चों वाले काम नहीं करूँगा तो क्या करूँगा। बड़े बड़े डाल फिर, वो बड़े बड़े आएंगे कहाँ ऐसे उसमें। तो अब ये वाली टंकी यहाँ पर भरनी है क्योंकि छत के लिए जो मसाला बनेगा मैंने आपको बताया था वो यहीं पर बनने वाला है। तो अभी शायद आज जो सेटिंग डालने का काम है, जाल बांधने का जो काम है, वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मिस्त्री लोग भी पहुंच गए हैं, आज सिर्फ दो ही मिस्त्री पहुंचे हैं, जो हमारे ठेकेदार प्लस हेड मिस्त्री हैं वो आज नहीं आए हैं, उनके परिवार में सगाई है बल, तो ऐसे में कैसे आ सकते हैं, तो वो कल आएंगे। और अगर आज काम लगभग पूरा हो जाता है तो कल सीधे छत डालनी थी, मुझे नहीं लगता कि कल छत पड़ेगी क्योंकि हेड मिस्त्री हमारे ठेकेदार साहब आए नहीं हैं, तो थोड़ा लाइट लुइट का काम भी वो जानते हैं, तो ऊपर से जो पाइप वाइप बिछाने का काम है वो वही करेंगे, तो कल वही काम होगा। तो परसों तो लगभग पक्का लग रहा है कि हमारी छत पड़ने वाली है, लेकिन फिर भी देखो क्या होता है। तो टंकी रखने के लिए सामने रख दी है लेकिन माँ को हम पे विश्वास नहीं है, तो माँ बोल रही है जब तक मैं नहीं आ जाती तब तक उसमें पानी मत भरना, तो वो टंकी तब तक ऐसी रहेगी। तब तक यहाँ पर तराई हो रही है और यहाँ मैं आपको दिखाऊँ तो इस वाले कमरे के और इस वाले कमरे के आगे भी आप देख सकते हैं बरामदे के साइड में, तो दोनों जगह पूरा जाल जो है वो तैयार हो चुका है, बांध लिया है। अभी जाल बांधने का जो काम है वो किचन के ऊपर चल रहा है और फिर किचन के आगे थोड़ा वो बचेगा, और वहाँ तो अभी सामने बाथरूम और टॉयलेट के ऊपर तो सही से जाल रखा भी नहीं है, तो आज शायद हो ही जाएगा काम पूरा। और वीडियो में कुछ कमेंट देख रहा था लास्ट वीडियो में कि आप लोग बोले थे जो जाल है वो सही से बंधा नहीं है, मतलब गैप काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। दूर से आपको ऐसे ही लगा होगा लेकिन आपको बारीकी से मैं दिखाऊं तो आप देख सकते हैं जो जाल है वो एकदम बढ़िया बंधा हुआ है, कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि जहाँ पर जाल ख़राब हो रहा होगा, मतलब एक नाप पे सही तरीके से इस जाल को बांधा गया है। थोड़ा ऊपर जाके भी आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं सब एकदम बढ़िया है। हेलो गाइस, गुड भाई, गुड भाई, कमेंट आ रहे हैं यार तुम ऐसे गलत जाल बांध रहे हो, बल ऐसा हो ही नहीं सकता, गुड भाई नहीं बोल रही यार, क्योंकि गुड भाई इस काम में बहुत उस्ताद हैं, वैसे हर काम में है गुड भाई भी उस्ताद, ऑलराउंडर। माँ हम पे विश्वास नहीं है। अच्छा था, ऐसे ही था, ऐसे ही था, बिल्कुल ऐसे ही था, बिल्कुल प्लेन। हाँ तो चलो, माँ ने बिल्कुल नीचे समतल कर दिया है, अब जाके रख दिया उसमें। आइए आपका स्वागत है, स्वागत है। तो हमारी बड़ी दीदी भी पहुंच गई और सीधे पहुंचते ही वहाँ नीचे चले गई है देखने के लिए कि क्या बना है, कैसे बना है। तो दीदी ने अभी पूरा नक्शा देख लिया है, ठीक बन रहा है, बहुत अच्छा। चलो तब, कुछ भारी तो नहीं हो रहा सामान, चलो आगे बढ़ो तब। और अभी आ चुका हूँ मैं वापसी घर पे और स्क्रीन पे देखिए दीदी जैसे ही पहुँची तो दीदी को सीधे
मंडाई पे लगा दिया है, साथ साथ में माँ है और माँ के उस साइड चाची भी वापसी आ चुकी है दिल्ली से घर। हाँ, तो चाची को हमने बोला ही था कि थोड़ा दिन बाद जाना, हमारे घर में जो जो हो रहे हैं मंडाई मंडाई करके जाना, छत छुट डाल के जाना। तो चाची गई और चाची झटपट से वापस भी आ गई। कितने दिन में आई चाची? 17वें दिन में चाची घर पहुंच गई है। हम सोच रहे थे शिफ्ट चेंज हो गई है तो मुझे लगा चाची 2-4 महीने बाद आएगी, लेकिन जल्दी आ गई, चलो अच्छी बात है। और हवा देखो कितनी तेज चल रही है। तो पहाड़ों का जो मौसम है वो आजकल के लिए इतना अच्छा है ना, मतलब एसी, फ्रिज, पंखा कुछ नहीं चाहिए, ऐसी ठंडी हवा हो जाए तो और चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और चाची दिल्ली में सब राजी खुशी? तो माँ की भी अभी शिफ्ट चेंज हो गई है, माँ वहाँ से साइड लग गई है और अभी हमारी भाभी जी आ चुकी है मनाई करने के लिए। मैं तो खाली तैयार कर रही हूँ कि तब मैं मानूंगा तो सब आ जाएंगे। अच्छा, तो माँ तो बड़ी तेज है ऐसे मामलों में कि माँ सिर्फ इकट्ठा करती है सबको और अपने आप अब आराम तो नहीं करेगी ना, आराम तो नहीं करती मेरी माँ, इतना तो मुझे भी पता है। तो जो जौ की मंडाई हो रही है ना पैरों से, तो उसके बाद जो क्या बोलते हैं उस पर कुछ बीज बच जाते हैं मंडाई करने के बाद भी, तो माँ एक स्पेशल लट्ठी से उसकी झड़ाई करेगी और वो स्पेशल लट्ठी मैं आपको दिखाऊंगा। उसको बोलते हैं परालझड़ी। परालझड़ी इसलिए बोलते हैं क्योंकि पराली जो होती है उससे जो धान है उसको अलग करते थे, इसीलिए नाम उसका परालझड़ी पड़ा है। तो अब हर चीज़ उससे झाड़ रहे हैं, तो थोड़ा मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। हाँ, आप कुछ भी रख सकते, जो झड़े रखो कुछ भी रखो। कहाँ दिखा दो जरा स्पेशल डंडी। तो वो स्पेशल डंडी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जिससे कि पराली झाड़ी जाती थी, लेकिन अब जौ की झड़ाई भी करनी है वल, तो ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी होती है, बिल्कुल मुलायम टाइप की झाड़ झाड़ के ही ये ऐसी हो जाती है। और हमारे टाइम पे ना ये स्कूलों में भी बहुत होती थी, टीचर लोगों के पास में, इससे ही हमारी अच्छी खासी तोड़ाई होती थी, है वहाँ ना। अब कोई मारता ही नहीं है बच्चों को, नहीं मारते हैं भाई, मेरे को पता है। अब बच्चे डरते ही नहीं है टीचरों से, हमारे टाइम पे तो ये हाल थे कि टीचर कहीं दिख जाए तो हम वहाँ नज़र ही नहीं आते थे दोबारा, इतना डर होता था, चाहे छुट्टी के बाद भी दिखे तो। ना स्कूल जाना है तो ये यूनिफॉर्म तो चाहिए ही चाहिए भाई, इसमें नहीं बोल सकते हैं कुछ भी, तो इस चीज़ पे तो होना चाहिए। स्कूल में है तो डिसिप्लिन में तो रहना ही पड़ेगा, साथ साथ में जो ड्रेस है वो तो लानी ही पड़ेगी, अब स्कूल पढ़ रहे हैं तो बिना ड्रेस के कैसे होगा। माँ की ये बात भी सही है कि मतलब गांव के बच्चे हैं, पैसे नहीं रहते हैं, और हमारे टाइम पे हमारे जो जूते रहते थे उसके आप हाल देखेंगे तो आज के बच्चे तो ऐसे जूते कभी पहनेंगे नहीं, चारों साइड से सिले हुए हैं तब भी वो फटे रहते थे हर जगह से। तो ऐसे ऐसे जमाना था हमारे टाइम पे, और हमसे पहले तो और भी बुरा टाइम रहा होगा। और दीदी बोल रही है कि स्कूल के जो फटे फुटे जूते थे उनको हम बारातियों में भी लेके जाते थे, तो ऐसे ही जमाना था। तो बोल ही रहा हूँ ना, हमने भी वो जमाना देखा है, लेकिन उससे पहले का जो जमाना दीदी लोगों का और दीदी लोगों से पहले जो रहे होंगे, तो उस टाइम पे तो जूते देखने मुश्किल ही रहे होंगे, इतनी गरीबी थी उस टाइम पे। अब तो मतलब थोड़ा भी कहीं पे फट रहा है, सिलाई उखड़ रही है ना, तो वो जूता दोबारा पहनना ही नहीं है बल, उसको तो मतलब मार्केट में मोची के पास भी लेके नहीं जा रहे हैं सिलवाने के लिए। किसके लगा? अच्छा, दीदी क्या खुश हो रही है अपने पुराने फटे जूतों की बात सुन के, हैं? और किसी की पुरानी याद है ऐसी? हाँ, और दीदी बोल रही है सबसे गरीब हम ही थे वाल उस टाइम पे भी। और बापू जी क्या बोल रहे? नहीं था अरे बिना चप्पलों के, हैं? तो सोचो वो भी क्या जमाना था, जो हमारे ताऊ जी मुंबई से कुछ दिन पहले आपने देखे होंगे घर आए थे, आज तो है नहीं यहाँ पर, वो जा रखे हैं कहीं रिश्तेदारी में, लेकिन बापू जी ताऊ जी की शादी में गए और हाफ पैंट थी बल और साथ साथ में चप्पल ही नहीं थे, और यहाँ से कहाँ जाना था पैदल, खुरड़ गांव कहाँ है बहुत दूर, लगभग कितने किलोमीटर गए होंगे पैदल बिना चप्पलों के? 10-12 पैदल का रास्ता 10-12 ही है, और गाड़ी का अगर लगाए 17-34 और 40 किलोमीटर लगभग है यहाँ से हमारे गांव से खुरड़, और हाँ ज्यादा ही होगा, मैं तो वही बोल, गाड़ी का रास्ता तो लगभग 40 किलोमीटर है खुरड़ तक का। वहाँ गया ना रात में तो वहाँ सब हंसने लगे, ये मागी जी और मागी जी।
तो बापूजी जैसे ही भागे ना बोल, तो बापूजी पे ही पूरा फोकस था क्योंकि बिना चप्पल के जा रखे थे शादी में, वो भी इतनी दूर से पैदल वहाँ, तो बिल्कुल बापूजी पे ही सब फोकस कर रहे थे। तो ऐसा भी जमाना था। हाँ तो खुराड़ मतलब यहाँ के लोगों को तो पता होगा, अगर नहीं पता, अगर आप बाहर से भी आए हैं तो कोटेश्वर मंदिर काफी प्रसिद्ध है हमारे उत्तराखंड में, तो उसी से मतलब 1.5 किलोमीटर आगे है खुराड़ गांव, ताई जी का, माई का, तो वहाँ बापू जी गए थे ऐसे बिना चप्पलों के हाफ पैंट में, मतलब वो भी शादी में। तो सोच के कैसे आप सोच सकते हैं आज का जमाना क्या है और वो जमाना क्या है। आज तो थोड़ा भी मतलब बोल रहा हूँ ना, कहीं पे भी सिलाई उधड़ गई ना तो वो पहनना ही नहीं है दोबारा। तो पुरानी जो यादें हैं वो ताज़ा करके मज़ा आ गया, और सबकी यादें ताज़ा हो गई होगी, क्योंकि हम ही नहीं जो आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपकी भी ऐसी कुछ ज़रूर यादें हो रही होगी, तो आप वो कमेंट में आप हमें बता सकते हैं। तो फिलहाल आप मनाई करने देते हैं। तो यहाँ पर अभी जो मंडाई चल रही थी वो मंडाई कंप्लीट हो गई है, और यहाँ से जौ छत पे सुखाने के लिए भी डाल दिए हैं। बाकी हमने फटाफट खाना खाया, भाई साहब दीदी को यहाँ पर चिढ़ा रहे हैं। आज हमने स्पेशल मोरी मास्टर बुला रखा है। ये देखो दीदी है, और दीदी के पास देखो कितने सारे बर्तन धोने के लिए दे रखे हैं, ये देखो। और दीदी बोल ना, गूंगी तो नहीं है भाई, आप लोग सोचेंगे वाले दीदी कुछ बोलती नहीं है, कहीं गूंगी तो नहीं है, लेकिन गूंगी नहीं है वो, फोन तो गूंगी हो जाती है एकदम फोन लगाते ही, अगर नहीं तो अभी चिल्लाती उधर वाले चिल्लाते वहां से कौन भटिया रहा है, इतना तेज बोलती है, अब मुंह तो बोलती नहीं मैं, लगा अभी उससे लगा अच्छी बात तो है यार, हंस रही है ठीक है ठीक। वैसे तो आपके हाल भी वही होते हैं, मैं भी नहीं बोलता हूँ क्या, अब दीदी ऐसे है तो हम भी ऐसे हैं, तेरे पे गुड़ जा रखे हैं माँ के सारे, हम पे पापा के आ रखे हैं, माँ ऐसे चिल्लाती रहती है भाई साहब उधर माल के वाले चिल्लाते हैं कभी कभार, क्या हुआ खमोली में इतना चिल्लाती है भाई साहब, देख रहे क्या बोल रहा है, मैंने जब सुना ही नहीं तो मेरे को क्या पता क्या बोल, माँ ऐसी चिल्लाती है ना बल, हाँ। माल के वाले इधर फोन करते हैं बल कि क्या हो गया, चाची को पूछ, चाची को पूछ, हाँ चाची भी आ गई यहाँ पे, चाची दही चाची कौन बता, भैया सब जा कौन चिल्लाता बता, बस माँ तो बोल रही तो भाई साहब इसलिए बोल रहे हैं ऐसा कि माँ मतलब थोड़ा ऊंची आवाज में तो बोलती है, फोन पे भी बात करती है तो बिल्कुल खुले मन से बात करती है, जितनी मतलब माँ को नहीं लगता होगा ऐसा कि मैं जोर से बोल रही हूँ, लेकिन अगर मैं नीचे वाले मकान पे भी खड़ा रहूँगा और माँ यहाँ पर कुछ काम कर रही होगी तो मैं पूरी माँ की आवाज़ सुन सकता हूँ, ऐसी बुलंद आवाज़ है माँ की, और थोड़ा वो आदत मेरे ऊपर भी आ रखी है, मेरी आवाज़ भी ठीक ठाक है, लेकिन भाई साहब को क्या बोलना है, तो भाई साहब तो बेइज्जती किया उसमें बोलते रहता हमको, हम तो नहीं बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलते हैं कि बुलंद आवाज है अच्छी बात है, बुलंद आवाज होने अलग चीज है और ज्यादा बोलना अलग चीज है, ठीक है प्यारे। तो तो यहाँ पर एक चैलेंज चल रहा है, तो आपने भी रील में बहुत देखा होगा ये चाची, तो कर बेटा सब खचर केदार नहीं जाते हैं, ठीक है भाई मैंने कह दिया था तूने वीडियो नहीं बनाया उस टाइम, सब खचर केदार नहीं जाते हैं, कुछ इधर भी रहते हैं ऐसे ऐसे और ऐसे, काम हो तो गया, हो गया दी, हां हो गया, देख अरे अरे नहीं बोल रहे, अरे
ना ना, फिर से मैं तो ऐसे मैंने भी तो ऐसे किया। इसका नाक भी लंबा है ना, इसलिए थोड़ा बहुत मैं समझ गया हूँ। ये हाथ ऐसे ही रखना है, इस साइड का ऐसे ही रखना है। लेकिन अगर आपने भी ऐसा नहीं किया है तो थोड़ा करके देखना, और कुछ होगा नहीं होगा, लेकिन हंसी बहुत आएगी, खुश हो जाओगे आप कुछ टाइम के लिए, मजा आ जाएगा। लड्डू आए, लड्डू गांव में, लड्डू आए। तो गांव में जब भी कोई बाहर से आता है तो मुंह मीठा करने के लिए गांव वालों के लिए जरूर लेके आता है। तो यहाँ पर लड्डू रसगुल्ले आ रखे हैं। ए पीछे वाला डब्बा तो खुला ही नहीं है? इसमें भी वही है, मिठाई है। वो किसके लिए है? ये देखो हमारे भाई साहब के हाल। ये क्या है यहाँ? चाची को नहीं दिया, माँ को नहीं दिया? बेटा ऐसे देने लगे ना, 10 किलो भी पूरा नहीं होगा। तो एक परिवार में मिठाई लड्डू देते हैं, तो ऐसा नहीं सबको देते हैं। और भाई साहब यहाँ दे रहे हैं, लो खाओ भाई। हम नहीं खाते हैं, माँ को नींद आ रही। माँ दीदी कोई नहीं खा रहा है, माँ ने मेरे से नहीं मांगा है। तो माँ ने कल घसाई की, आज भी सुबह सुबह घसाई लिपाई की जितनी बची हुई थी, बारिश तो आई नहीं। कोई बात नहीं, आए तो अच्छा हुआ, पर मैंने कहा आए भी जाएगा तो अच्छा ही होगा। कल तो बोली थी, मैं तो इसीलिए कर रही हूँ, बल जब बारिश आनी चाहिए। जब लोग सब बोलते हैं तो विनोद होगा, चलो बल तो बारिश आ जाती है बस, पर नहीं आई अब की बात। ये मेरी प्यारी बुली है ना, है ना बुली? तो भाई एक्स्ट्रा खा रहे हैं। सबसे बढ़िया भाई मैं ही हूँ तेरा। हाँ वो तो अब क्या बोले, तब कैमरा के सामने। तो पहली बार ऐसा हुआ, माने घसाई लिपाई की चौक की, लेकिन बारिश नहीं आई, और हो सकता है अभी भी आ सकते हैं, क्योंकि आधा माने आज काम किया है घसाई लिपाई करने का। आजकल हमको चाहिए ना बरखा, तब नहीं आ रहे हैं। हमारा सारा आलू उलू हरी सब्जी बूत रखा है, वो कुछ नहीं आ रहा है, आलू भी नहीं आया, एक नहीं, कहाँ से आया? तो आज इतिहास रच लिया है कि यहाँ पर घसाई लिपाई हुई लेकिन बारिश नहीं आई। और ये भी आ गया लड्डू खाते खाते। दोस्तों शाम के 5 बज रहे हैं, और अभी मैं एक बार फिर पहुंच चुका हूं अपनी नई मकान वाली जगह पे। और सुबह से वो ऐसे कल से जो यहां पर जाल बांधने का काम चल रहा था, वो पूरी जाल यहां पर बांध दी है। और जो जाल है वो कैसा नज़र आ रहा है थोड़ा मैं आपको दिखाऊं। तो ये देखिए यहाँ से कुछ ऐसा है, और फिर यहाँ से कुछ ऐसा है, और पूरा जो जाल है वो कितना प्यारा देखने को मिल रहा है, क्योंकि जाल इतना प्यारा बांधा हुआ है। और सुबह यहाँ का बचा हुआ था, तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर भी पूरा बांध लिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। सामने यहाँ देखिए टॉयलेट और बाथरूम के ऊपर का जो जाल है वो भी तैयार हो चुका है, बाकी ये वाला स्पेस तो खाली रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सीढ़ी बनेगी आने वाले टाइम पे, उसके लिए भी सरिये यहाँ छोड़ दी हैं। बाकी कल के लिए थोड़ा बहुत काम बच गया है, और वो काम है यहाँ ऊपर जाल के ऊपर जो लाइट के पाइप वाइप हैं वो डालेंगे, फैन बॉक्स डालेंगे, जो भी होगा वो काम कल ही अभी होने वाला है। और यहाँ दिखाऊँ तो यहाँ पर भाई साहब और चाचा जी आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं किसी चीज़ के ऊपर। बाकी आप देख सकते हैं सामने रोड़ी है, रेता है, उनको भी गिन के डालना पड़ेगा, फिर परसों के लिए मतलब काम सही हो जाएगा। कल का काम मिस्त्री लोगों का शायद यही रहने वाला है, पाइप बिछाएंगे और वो गिन के एक जगह पे इकट्ठा कर देंगे, परसों आएंगे फिर मसाला तैयार करेंगे। और अभी भी मिस्त्री लोगों की छुट्टी नहीं हुई है, वो अभी काम कर ही रहे हैं। और स्क्रीन पे आप देख सकते हैं मिस्त्री लोगों का जो काम है, तो वो ये है कि लकड़ी के जो टुकड़े हैं इनको सही नाप साप में काटना है और फिर अंदर लगाना है। और यहाँ पर अपने बापूजी भी पहुँचे हुए हैं, और बापूजी आज थोड़ा तबीयत गड़बड़ होने की वजह से नज़र नहीं आ रहे हैं, जुखाम खांसी बुखार सब बापूजी के ऊपर आज हावी हो गए हैं। मन ही नहीं कर रहा है वो उठने का, लेकिन फिर भी बापूजी बिस्तर से उठ के सीधे यहाँ पहुँच गए।
और ताई गई थी खेत में और ताई सबको यहाँ पर घास बांट रही है। घास वही जो परसों मैंने आपको दिखाया था, जिसको हम कुरफुली बोलते हैं। हाँ हेलो हेलो बोल बोल हेलो, क्या हाल चाल? हेलो हेलो सब बढ़िया हैं बोलो। तो ये खाते हैं भाई साहब, खा रहे हैं। कैसा हो रहा है? खा रहा हूं ये। मैं तेरे वीडियो में देख कुरफुली 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 में देख के होता क्या है। कैसा हो रहा है जरा बताना। ये ताऊ के ले जा रहा था ये। ओ लो 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 लो। अच्छा हमारे यहाँ के ताऊ। हाँ हमारे ताऊ आजकल ड्यूटी पे जा रखे हैं, ले पकड़ो। जितनी हाइप बना रही है तुमने इसके बारे में ना, उतना कुछ खास है नहीं। वो जो लोग खाते हैं ना उनको पता होगा, ताऊ मुंबई से घर आए तो ताऊ इन्हीं पे लगे हुए थे जिस दिन से घर आए। तुम लोगों को पता ही नहीं है इन चीजों के बारे में। चाची बताई कि रिव्यू। चाची कैसा हो रहा है? इनको बताओ ना नए लड़कों को। माँ देखा कैसे खा रही थी टपा टप करके वीडियो में, देखा कितनी जल्दी से खा रही थी। माँ तो बोलेगी अरे अरे ऐसा नहीं है। अरे जब माँ मतलब जब मैं दूर हट गया था तब दूर से दिखा रहा था मैं माँ को। माँ तो अभी अंधेरा हो चुका है और बाहर पे ठंडी ठंडी हवाओं के साथ हम ले रहे हैं सब मिलके चाय का आनंद, और चाय के साथ यहाँ पर गपशप भी चल रही है। तो आज की जो वीडियो है वो इसी चाय के साथ यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों को मिलते हैं एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, बाय बाय, टाटा।